दोस्तों बिग बॉस के घर में आज कैप्टनसी के टास्क में कौन बनेगा दावेदार, कौन बनेगा इस हफ्ते का कैप्टन, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि शेफाली और सना की लड़ाई की वजह से क्या कुछ हो रहा है घर के अंदर। चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ होगा आज और ज्यादा खास असिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई के अलावा। वेल, इन दोनों में लड़ाई होगी ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन इसके अलावा अब एक और चीज होने वाली है घर के अंदर और वो होगी शेफाली और सना की लड़ाई, जहां पर शेफाली को सिद्धार्थ कहते हुए नजर आएंगे कि पूरे का पूरा जो गेम प्लान किया है कैप्टनसी का वो तुमने किया है और तेरा असली रंग बाहर आ चुका है कि तू क्या गेम खेल रही थी। जिसके बाद सना को कहेगी शेफाली की सारा किया धरा तेरा है, तू साइको है, तू पागल है। सना कहेगी मैं साइको हूं, तू पागल है, तू साइको है और तू गेम खेलती है, तूने असीम और सिद्धार्थ को अलग कराया है। शेफाली कहेगी मैंने अलग कराया या तूने अलग कराया, अपने आप को जाकर शीशे में देख, तू है क्या असल में, अपने आप से निगाह नहीं मिला पाएगी तू, तू जो गेम खेल रही है मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। वो दोनों जहाँ एक दूसरे को ये सब कहती हुई नजर आ रही होंगी, वहीं पर दोस्तों अब पारस अपना गेम और ज्यादा खुलकर खेल रहा है। पारस सिद्धार्थ को शेफाली के खिलाफ भड़काते हुए नजर आएगा। पारस और माहिरा बैठ के ये बोल रहे होंगे कि शेफाली माचिस का काम कर रही है और असिम रियाज और सिद्धार्थ के बीच में लड़ाई कराने वाली जो असली है वो सिर्फ और सिर्फ शेफाली है, वो चुगली करती है। आरती को भी भड़काएगा पारस, आरती से कहेगा कि पता है उसने मुझे बाहर आके बोला था कि मैंने आरती को नहीं, मैंने हिमांशी और असिम को सेव किया है और तुझे आकर बोल दिया कि उसने तेरा नाम लिया है, जबकि हम सबने खुद देखा था कि शेफाली ने एक्चुअली में आरती का ही नाम लिया था। जिसके बाद शेफाली सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करेगी कि सिद्धार्थ तेरी और आसिम की लड़ाई की वजह से घर वाले उस पर रोटियां सेक रहे हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश कर। हिंदुस्तानी भाव को कहेगा पारस कि आप सच का साथ दो, आप शेफाली का साथ दे रहे हो। तब हिंदुस्तानी भाव कहेंगे कि मेरे साथ तो आज तक शेफाली ने कभी भी सिद्धार्थ शुक्ला की कोई भी बुराई नहीं की है, तो मैं कैसे कह दूं कि शेफाली गलत है और वो सिद्धार्थ के साथ नहीं थी या वो सिद्धार्थ को दगा दे रही थी। वहीं दोस्तों बिग बॉस फरमान सुनाएंगे नया। बिग बॉस सभी घर वालों को बुलाएंगे लिविंग एरिया में और उनको बोलेंगे कि शहनाज यानी कि विकास भाऊ की टीम से और जीतने वाली यानी पारस की टीम से दो दो दावेदार खड़े होंगे कैप्टनसी के लिए। और कैप्टनसी के दावेदारी के चक्कर में हिंदुस्तानी भाऊ, हिमांशी और शहनाज तीनों के बीच में भिड़ंत हो जाएगी। हिंदुस्तानी भाऊ कहेंगे कि भैया मैं तो बनूंगा ही बनूंगा कैप्टन, मैं तो दावेदार बनूंगा ही बनूंगा, तुम दोनों औरतें आपस में सोच लो कि तुम में से कौन बनेगा दूसरा दावेदार। यहां पर रश्मि कहती हुई नजर आएंगी कि मुझे भी कैप्टन बनना है, मैं कभी नहीं बनी। और वो भी कहेगी सना कि मेरे में भी लीडरशिप के सारे गुण हैं, मैं भी कैप्टन बनूंगी। जिसके बाद वो हिंदुस्तानी भाव कहेगा ठीक है फिर तीनों अड़ जाते हैं, तो वो तीनों अड़ जाएंगे और वहां पर दूसरी ओर पारस की टीम में पारस और विशाल की लड़ाई हो जाएगी कैप्टनसी को लेकर कि कौन बनेगा दावेदार। विशाल कहेगा मैं बनूंगा और पारस कहेगा कि मैं बनूंगा। वहां पे वो दोनों लड़ रहे होंगे, जिसके बाद पारस अपना गेम खेलेगा और पारस जाके देवोलीना को बोलेगा एक काम करो आप सना को वोट देना, क्योंकि उनकी टीम से सना खड़ी हो रही है, यहां से विशाल खड़ा होगा अगर, तो एक काम करते हैं कि सना को जिता देते हैं, सना को कैप्टन बना देते हैं। देवोलीना कहेगी क्या हम सना पर भरोसा कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से क्या बोलेगा पारस। पारस बोलेगा अरे सना का क्या है, उसको कोई प्यार से जरा सा पुचकार दो ना, मुँ मुँ कर दो, तो बस सना तो उसी की सगी हो जाती है, तो बेफिक्र रहो सना को हैंडल कर लेंगे। और अपने मतलब पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, आप देखिए मतलब कितना दोगला है वो इंसान। हाँ एनी हाउ, उसके बाद दोस्तों दोनों ही टीम में से कोई भी चार लोगों के नाम नहीं ले पाएगा, यानी कि दो विकास की टीम से और दो पारस की टीम से ये लोग नाम नहीं ले पाएंगे। जब बिग बॉस पूछेंगे तो ये कह देंगे कि हम अपने आप में से नहीं चुन पाए हैं। अब बिग बॉस का फैसला क्या होगा, क्या बिग बॉस खुद चुनेंगे कैप्टनसी के दावेदारों को। वैसे इस बार घर में सब में लड़ाई हो रही है, बिग बॉस भी पागल हो चुके होंगे कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं इन लोगों के बीच में, इतना बुरा हाल घर का कभी भी नहीं हुआ है जो इस बार हो रहा है। वेल, दोस्तों आपका क्या कहना है, हु डिजर्व टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ द हाउस, सना शेफाली में से कौन सही लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर देकर बताएं। पारस के बारे में बताइए कि क्या सच में आपको भी पारस दोगला लग रहा है, अपनी राय हमें जरूर दें। विशाल के बारे में आपकी क्या सोच है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने देसी पटाखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस के घर की हर एक खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय गाइस।